हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ उपमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे उपमा बनाते समय, तो आपका उपमा भी इसी तरह से खिला खिला और एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया है। अब मैं इसमें एक पिंच हींग और एक टेबल स्पून जीरा डाल दूँगी। जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो मैं इसमें एक कप मोटी वाली सूजी डालने वाली हूँ। आप कप की वजह अपने घर की कोई भी कटोरी से भी इसका नाप ले सकते हैं। यदि फ्रेंड आपको उपमा में जीरा का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, तो आप इसकी जगह राई या सरसों के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक मैंने धीमी गैस पर सूजी को अच्छे से भून लिया है। सूजी का दाना भी अच्छे से फूल गया और खुशबूदार हो गई है। अब मैंने जिस कप से सूजी ली थी, उसी कप से मैं 3 कप पानी बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। उपमा में हम उबाल के जब पानी डालते हैं, तो उपमा का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और उपमा काफ़ी खिला खिला और ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम इसको ढककर उबालने के लिए दूसरी गैस पर रख देंगे। अब मैंने उसी कढ़ाई को खाली करके इसमें 2 टेबल स्पून में घी इसमें डालने वाली हूँ। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने फ्राई करते समय ध्यान रखें कि ना ये तो कच्चे रहे और ना ही ये जल जाए, इसलिए अब धीमी गैस पर इनको अच्छे से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मेरी मूंगफलियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप उपमा को घी की जगह ऑयल में भी बना सकती हैं। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 टेबल स्पून बारीक वाली राई। अब हम इसको चटकने देंगे। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून चना दाल डाली है, 1 टेबल स्पून उड़द मैंने दोनों को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ कर इसमें डाला हुआ है। अब इसको हम धीमी गैस पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे कि हमारी दाल फूल जाए। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और कुछ मीठी नीम की पत्ती डालने वाली हूँ। मीठा नीम आपके घर में यदि नहीं पसंद किया जाता, तो आप इसको एकदम बारीक कट करके डालें। अब मैंने 1 मीडियम साइज को प्याज को बारीक कट कर लिया था और अब हम तेज गैस पर इसको अच्छे से भून लेंगे। तेज गैस करके भूनने से प्याज की स्मेल भी निकल जाती है और प्याज थोड़ा फूल भी जाती है। मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस हमको इतना ही इसको फ्राई करना है, कलर चेंज इसका नहीं होने देना। अब मैंने इसमें 1/4 कप लगभग मटर डाली है। मटर को भी हम तेज गैस करके अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां डालने के तुरंत बाद फ्रेंड्स, अगर हम मीडियम टू हाई करके जब गैस को सब्जियों को फ्राई करते हैं, तो सब्जियाँ पानी नहीं छोड़ती और एक अच्छा सा रोस्टेड फ्लेवर हमें सब्जियों का मिल जाता है। अब मैंने सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कट करके डाल रही हूँ। शिमला मिर्च को भी मैं इन्हीं सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ। इस समय अदरक डालने से उपमा में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक भी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कवर करके हमें 1 से 2 मिनट तक इनको कुक कर लेना है। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सूजी डालने के बाद भी यह सब्जियाँ कुक होती हैं। अब जो फ्रेंड हमने पानी गर्म किया था, उस उबले हुए पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। जब भी हम गर्म करके पानी इस तरह से डालते हैं, तो उपमा में सब्जियों का बहुत अच्छा हमको टेस्ट मिलता है। जब भी हम ठंडे पानी डाल के सब्जियों को जब उबालेंगे, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। देखिए फ्रेंड, पानी में एक अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इस समय कर देंगे गैस को ऑफ और धीरे धीरे करके हम सूजी इसमें डालते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप इसको गैस को स्लो करके भी प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन जब हम गैस बंद कर देते हैं और फिर मिक्स करते हैं, तो सूजी और सब्जियाँ एकदम इवनली मिक्स हो जाती हैं और हमें
सूजी को इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ता, जिससे कि हमारा उपमा और भी ज़्यादा खिला खिला बनता है। टिप ऑफ द डे, यदि आपके घर में इलायची के दाने यूज़ हो जाते हैं और छिलका बचा रह जाता है, तो उसके लिए आप जब भी घर में खड़ा धनिया पीसें या गरम मसाला, उसमें आप इलायची के छिलकों को मिक्स करके पीस लें, आपके मसाले का स्वाद बढ़ जाएगा। हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जिस समय हमने पानी बॉईल करके सब्जियों में ऐड किया था, उसी समय केवल एक बार भी नमक डाल सकती हैं और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए आप उसको चला लें। सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको कवर करके धीमी गैस करके केवल एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा से कुक करेंगे। ओवर कुक करने से उपमा चिपचिपासा हो जाता है। अब गैस कुकर दिया है मैंने ऑफ और इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करने वाली हूँ। उपमा जब आप पूरी तरह से बना चुकी हो तो उसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें, इससे आपका उपमा और भी ज़्यादा खिला खिला हो जाएगा। अब इसमें हम अपनी भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे और कटा हुआ बारीक हरा धनिया। आप मूंगफली को तभी ऐड करें जबकि आप उन्हें सर्व करने वाले हों। तो लीजिए, तैयार है एकदम खिला खिला, एकदम खुशबूदार और बहुत टेस्टी उपमा। उपमा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।